नमस्कार बच्चों, आइए चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। 3/5 और 3/4 के बीच में हमें 10 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। और आइए हम इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल सिंपल मेथड यूज़ करेंगे, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट मेथड यूज़ नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको ये जो रैशनल नंबर लिखे हुए हैं 3/5 एंड 3/4, इसके आपको सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है। देखिए बच्चों, वही मेथड यूज़ मैं बता रहा हूँ। 5 के टेबल में 4 नहीं आएगा, 4 के टेबल में 5 नहीं आएगा, और ना ही ऐसी कोई टेबल है जिसमें दोनों कंटिन्यू नंबर आते हो। तो ऐसी कंडीशन में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही हमारा एलसीएम होता है 20। आइए 3/5, 5 को 20 बनाने के कन्वर्ट करने के लिए 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को भी 4 से करेंगे साथ ही, एंड 3/4, और 4 को कन्वर्ट करना है डिनोमिनेटर 20 में, 20 बनाना है तो 5 से, और 5 से न्यूमिनेटर को भी, ठीक है। 4 3 12, 5 4 20, 5 3 15, 4 5 20, ठीक है। अब बच्चों इसमें देखा तो 13 और 14 ही बीच में नंबर आते हैं, तो क्या करें कि इसमें हमारे 10 नंबर आ जाएं, ठीक है। तो हम इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24 हो जाएगा, 24 और 30 इसमें भी नहीं आएंगे, हम इसको 3 से कर देते हैं, 3 से में आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 3 से कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 से, और दोनों रैशनल नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चाहे तो आप इसमें जो हमारे नंबर हैं 20 और 15/20, चाहे तो आप इसमें 0 पुट करके भी आप इसमें कर सकते हैं, ये इस प्रकार। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, देखो कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। 20 और 50, 120 और 150 के बीच में कितने सारे नंबर आप लिख सकते हैं, 121, 200, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट नंबर 122/200, आप इसे इस प्रकार इसमें नंबर लिख सकते हैं। लेकिन हम मल्टीप्लाई से करें तो मल्टीप्लाई का ही देख लेते हैं। 12 3 36, 20 3 60, और 15 3 45, और 20 3 60। आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें भी नंबर नहीं आए बच्चों, तो क्या करें कि इसमें नंबर आ जाए। तो बच्चों ये आपको करके देख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर नहीं आ रहे हैं तो आइए मैं इसको कर लेता हूँ, जो सेम डिनोमिनेटर हैं उनको ले लेते हैं पहले। ये 12/20 था और 15/20 था, तो मैं इसको सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 से, ठीक है बच्चों। 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों रैशनल नंबर को न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। आप 12 5 60 और 25 100, ठीक है। 15 5 75 और 25 100, ठीक है। चाहे तो मैं, देखिए मैंने इसलिए बताया कि इसलिए मैंने किया, चाहे तो मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था। मैंने इसलिए किया कि आपसे अगर ऐसा होता तो डरने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज मत होना। हम इसको रफ पेज पर करके देख सकते हैं कि डायरेक्ट हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो आप इस प्रकार प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो 0 से लगा सकते हैं, ये नंबर भी आपके एक्यूरेट होंगे बिल्कुल, आगे तो लिख सकते हैं, और ये नंबर भी आपके होंगे। अब देखिए 60 और 15 75 के बीच में कितने सारे नंबर आ रहे हैं, उनको हम लिख सकते हैं। आइए लिखना शुरू कर दे। 61/100, 62/100, 63/100, ठीक है बच्चों, ऐसे लिखते जाएं। 64/100, 65/100, 66/100, 67/100, 68/100, कितने नंबर हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए तो और लिख लेते हैं। 69/100 और 70/100 हो गए 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 रैशनल नंबर हमें फाइंड करने थे, वो हमने कर चुके हैं। हम चाहे तो इस प्रकार भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। मैं एक बार फिर बताता हूँ आपको, जैसे मैंने पहले 4 से किया ये डिनोमिनेटर पहले, फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, फिर 5 से किया, तो देखा कि नंबर कोई खास उसमें 3 से करने के बाद कोई आए नहीं थे, तो फिर हम इस प्रकार हम 5 से मल्टीप्लाई करके हमने इसमें नंबर फाइंड कर लिए। चाहे तो आप 6 से कर सकते हैं, 7 से कर सकते हैं, 8 से कर सकते हैं, मल्टीप्लाई ना भी करें तो आप 0 पुट कर सकते हैं न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर पर, जब डिनोमीटर सेम हो जाए उसके बाद, पहले नहीं। कभी आप पहले ही इसमें 0 पुट कर दे वो गलत हो जाएगा। पहले, सबसे पहले आपको डिनोमीटर सेम करने हैं,
एलसीएम लेके सेम डिनोमिनेटर बनाने हैं, ठीक है। सेम डिनोमिनेटर के बाद आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं या जीरो पुट कर सकते हैं। तो बच्चों ये था एक छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, इसमें से सीख कर दूसरे बच्चे को ज़रूर सिखाएँ। चलो कदम बढ़ाएँ, देश को शिक्षित बनाएँ, अपने आस पड़ोस को भी हम शिक्षित बनाएँ। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।